हाल ही में आई बाढ़ से धीमरखेड़ा तहसील के 16 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें लगभग 1000 परिवारों के करीब 5000 लोग शामिल हैं। प्रशासन ने नुकसान का सर्वे करने के लिए टीम का गठन किया है, लेकिन सर्वे का काम धीमी गति से हो रहा है और कई जगह सर्वे टीम अभी तक नहीं पहुंची है। धीमरखेड़ा में केवल 50% सर्वे कार्य पूरा हो पाया है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके मकान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और वे अस्थायी तौर पर दूसरों के घरों में रह रहे हैं, लेकिन सर्वे टीम अभी तक उनके घर नहीं पहुंची है। गुघरी गांव की ममता बाई चौधरी और कमलेश चौधरी ने बताया कि उनके मकान बाढ़ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और वे दूसरों के घरों में गुजारा कर रहे हैं। परसवारा निवासी भारत बर्मन ने बताया कि उनका मकान भी डूब में आ गया था, लेकिन सर्वे टीम अभी तक नहीं पहुंची है। बाढ़ के कारण सैकड़ों कच्चे मकान जमींदोज हो गए और ग्रामीणों की गृहस्थी बह गई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। धीमरखेड़ा के एसडीएम विंकी सिंह मारे ने बताया कि पटवारियों की टीम सर्वे कार्य में जुटी हुई है और रिपोर्ट तैयार करने में समय लग रहा है। 2-4 दिनों में सभी का सर्वे कार्य पूर्ण हो जाएगा और रिपोर्ट मिलते ही प्रभावितों को राहत प्रदान की जाएगी। राहत शिविरों से गांव पहुंचे लोगों को राशन वितरित किया गया और जिनके मकान पूरी तरह से गिर गए हैं, उनके रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है। हालांकि भोजन वितरण में लापरवाही की शिकायतें भी आई है। गांवों में रुके बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन समय पर नहीं मिल रहा है और इसका फायदा गांव के अन्य लोग उठा रहे हैं। गुघरी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि प्रत्येक परिवार के सदस्य को भोजन नहीं मिल पा रहा है। ममता बाई ने कहा कि उनके 5 सदस्यीय परिवार को केवल एक पैकेट भोजन मिला है। ऐसी ही लापरवाही अन्य गांवों में भी देखी जा रही है। क्या नाम है आपका? कमलेश। किस गांव के रहने वाले हैं? गुघरी। आज क्या है, खाना मिला था आपको? खाना मिला था, 3 बजे खाना आज मिला है जी। दिन में एक बार खाना मिलता है, शाम को नहीं मिलता है। अच्छा, कल भी एक बार मिला था। हम घर में 5 लोग हैं, एक पैकेट खाना मिलता है जिसमें 5 पूरी रहती है। अच्छा हाँ भैया, अब बताओ 5 पूरी किसको होंगी भैया? 5 जने के बीच में। अच्छा, आप लोग रहते कहाँ हैं? मेरा घर है भैया, गिर गया, घर गिर गया, पूरा गिर गया। हाँ, पूरा गिर गया। तो अब कहाँ रहते हैं? आज भोजन मिला आपको? भोजन मिला है, हम 5 लोग हैं, 5 लोग में 5 पूरी मिली है। अच्छा, तो 5 पूरी खा के हम 5 जने रह जाएंगे दिन भर। अच्छा, और ये अभी जैसे गांव में राशन आसन वितरण हो रहा था तो मिला है? राशन भर मिला है, हम वहाँ इससे जब राशन भर मिला है तो आपको मिला है? हाँ, राशन मिला है। क्या मिला है? राशन चावल मिला है। ठीक है, ये और अभी मतलब कितने समय मिलता है खाना? मतलब जैसे आज सुबह आज मिला था? हाँ, 3 बजे मिला। हाँ, और अब मतलब अब कल रात में मिला था? कल नहीं मिला, रात में नहीं मिला, कल 2 बजे मिला है, आज 3 बजे मिला है। 3 बजे खाना मिला है, 5 कोई सुनाई नहीं है। कटनी मध्य प्रदेश से सत्येंद्र बर्मन की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।